हेलो भाई, स्वागत है आप सबका एक बार फिर FS20 के व्लॉग में, जो कि हम खेलते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन में। और चलो देखते हैं आगे। पहले मौसम भी बहुत ख़राब हो रहा है, फसल भी कुछ नहीं पक रही है, धूप फसल को बिल्कुल भी नहीं लगी है, जैसी थी वैसी ही है। वैसे मौसम भी अब थोड़ा इम्प्रूव होने लगा है और बादल बादल हटने लगे हैं। चलो देखते हैं कि आगे क्या काम रह गया। वैसे खेतों में भी हमने सारे में सीड कर दिया है टोटली, और देखते हैं आगे। बादल बुदल भी हटने लगे हैं, बहुत ही साफ मौसम हो रहा है। चलो देखते हैं। हाँ, हमारा एक मशीन थी यार, ग्रास कटिंग की मशीन थी एक, उसे वाश करवाना था। चलो उसे वॉशिंग सेंटर पर लेके चलते हैं, देखते हैं कि वो मशीन कहाँ खड़ी है। वैसे बहुत ही ज़बरदस्त मशीन है यार, ये रही थी वो, स्किप हो गई। चलो इसे वॉशिंग सेंटर पर लेकर जाना पड़ेगा, ये उसका भी सत्यानाश हो रखा है, बहुत ही गंदी हो गई है। मड मड चढ़ रहा है, मिट्टी ही मिट्टी चढ़ रही है इसके ऊपर भी। चला चला के बुरा हाल हो गया इसको, भाजती बहुत है यार, कटिंग बहुत है मशीन की। इसका डर लग रहा था कहीं पलट पुलट ना जाए, एक्सीडेंट इस मशीन के बहुत हो रखे हैं। आराम आराम से लेकर जाना पड़ेगा इसको भी। चलो चलते हैं। वो आराम से यार, बहुत स्पीड है इस मशीन की, कटिंग भी बहुत ज़बरदस्त दे रखी है कंपनी वालों ने, हमने यही देखकर परचेस किया था। वैसे एक छोटी मशीन भी थी जिसे हमने परचेस नहीं किया, क्योंकि उसके लिए एक स्पेशल ट्रैक्टर की ज़रूरत थी। वैसे मैंने सोचा यार, अब क्या उसके पीछे एक और स्पेशल ट्रैक्टर लगाना, हम मशीन ले लेते हैं, इसलिए हमें मशीन ही परचेस कर ली। चलो ये आ गया वॉशिंग सेंटर, इसे यहाँ पर खड़ी कर देते हैं और देखते हैं कैसी लगती है वॉश होने के बाद हमारी ये वॉशिंग मशीन, सॉरी ग्रास कटिंग मशीन। ओ यार, एकदम जैसी लेके आए थे, जैसी परचेस की थी वैसी हो गई है, एकदम न्यू वर्जन, क्रोन कंपनी की मशीन है। चलो इसे वापस वहीं खड़ी करेगा, देखते हैं। और एक पोटैटो सीड करने रह गई थी यार, वो भी सीड करने हैं। एक बहुत ही सबसे बड़ा फील्ड है इस पूरी FS20 में, सबसे बड़ा खेत है वो परचेस किया था, उसमें पोटैटो लगाने रह गई हैं। ये तो पलटी ही पड़ी है, यार एक्सीडेंट हो गया इसका। ओ शिट, इसे तो खड़ा करना बहुत मुश्किल है यार, इसके लिए भी ट्रैक्टर ले जाना पड़ेगा क्या। चल छोड़ो, फिर देखेंगे। चलो यार उसी खेत पर चलते हैं, पहले देखते हैं कहाँ खड़ा है हमारा ट्रैक्टर। एक और ट्रैक्टर परचेज किया था हमने, वो था कौन सी कंपनी का था वो, हाँ न्यू लैंड था, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैक्टर है यार, बोल 4x4 है, और क्या ही क्या ज़बरदस्त जान है उस ट्रैक्टर में। उसी से पोटैटो सीड करके देखेंगे, चलो चलते हैं। वैसे जोंडियर भी कोई कम नहीं है, ये ट्राला खड़ा है अपना, एक और जोंडियर, दो जोंडियर परचेस कर रखे हैं हमने, इसे तो यार पड़ी ही रहने दो। चलो चलते हैं, ये मशीन भी परचेस की थी, ये भी बहुत अच्छी मशीन है। ये आ गई हम अपने फील्ड पर, और चलो काम शुरू करते हैं इसके, इसी के साथ करेंगे यार सीड पोटैटो। तो देखते हैं पोटैटो मशीनरी में कैसा चलता है। वैसे है तो ट्रैक्टर पर बड़ा ज़बरदस्त ही वेट लगा दिया, तो चलो देखते हैं कैसे चलता है कैसे नहीं। इसकी भी स्पीड ज़बरदस्त है यार, 50 की स्पीड तो 1 मिनट में पकड़ लेता है। एक और आवाज़ भी इस ट्रैक्टर की मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगती है, सुन के बताना कमेंट बॉक्स में यार कि इस ट्रैक्टर की आवाज़ कैसी है। नया ही परचेस किया है, वेट वूट रखवा के और एकदम बढ़िया करती है। और यार ना अभी तक इस दिन में प्रॉब्लम, मुझे ये नहीं पता कि इसमें जो डंगर डंगर होते हैं जैसे काऊ शीप ऐसे हॉर्स मेयर, ये इसका नहीं पता लग रहा कि यार ये परचेस कहाँ तक करते हैं। अगर आपको पता हो तो बताना यार, बाकी तो सब कुछ ठीक चल रहा है, देखते हैं कि क्या करता है ये, अभी तक तो ठीक चल रहा है। अब आ गया और अभी फसल तो कुछ पकी नहीं है, काम भी पूरा कंप्लीट हो रहा है, अभी बादल हटने लगे हैं, तो देखते हैं एक प्रोफेशनल ड्राइवर कितना वर्क कर रहा है एकदम। अगर ड्राइवर हमने इसमें लगाया यार, वो पैसे बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं उससे, और पहले ही इसमें से बीज ख़त्म होने वाला है, वो डबल पैसे चार्ज करेगा। और ये न्यू हॉलैंड भी अपना पूरा एकदम मड में ही होया पड़ा है, गंदा है, खोया पड़ा है, इसे भी वॉशिंग सेंटर पर लेकर जाके वॉश करवाना पड़ेगा। बाकी चलो यार चलते हैं आगे और करते हैं सेटिंग से,
देखते हैं कैसे जाते हैं दो दिन की डेज। चल यार जल्दी चल, 4x4 में है पूरा, पेट वूट रखवा के एकदम बढ़िया बनाया हुआ है। अगले आगे वाले टायर भी बहुत ज़बरदस्त हैं, इंटीरियर लुक है, इंटीरियर लुक भी ज़बरदस्त है, ग्राफिक बहुत मज़ेदार हैं यार इस गेम के, इस गेम में तो मज़ा ही आ गया। GTA के भी डालते रहे हम लोग पहले, लेकिन वो लोग सॉरी वीडियो, लेकिन उसमें इतना मज़ा नहीं आया और वो वाइस सिटी थी। 5 अभी देखेंगे, मैंने परचेज तो की नहीं है लेकिन आगे करेंगे, अभी तो यही चल रही है, चलो इसे भी ट्राई कर लेते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त गेम लगी यार मुझे, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, कुछ 600-650 MB की गेम है। और लिंक आपको मैं अगली वीडियो के सेक्शन में दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तब तक आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तब तक इंजॉय करते रहें हमारी वीडियो। चलो यार ड्राइवर पे ही लगाना पड़ेगा इसे, तो थोड़ा सा और कर लेते हैं, ड्राइवर पे ही दे देंगे पैसे, ज़्यादा नहीं चार्ज करेगा। चलो अभी तक तो ठीक ही चल रहा है, चलो चलते हैं यहाँ से। बादल भी हट गए हैं और मौसम बस साफ होने वाला है, उससे पहले ही काम फिनिश करना पड़ेगा हमें यहाँ से, नहीं तो रहेगा पूरा लगी लगाई फसलें एकदम पानी में बह जाएगी। चलिए स्पीड भी इसकी कितनी 11-12 अच्छे खींच रहा है यार, स्पीड तो अच्छे स्पीड भी, जिस हिसाब से बहुत ही भारी मशीन है, वेट रखे हुए हैं उस हिसाब से तो अच्छी है स्पीड। वैसे ट्रैक्टर भी कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है इसमें, बहुत 10-12 ट्रैक्टर आ जाते हैं, उनमें से कुछ भी नहीं है, तीसरे नंबर पर ट्रैक्टर आता है, लेकिन उस हिसाब से यार मानना पड़ेगा। जैसे ये पोटैटो की मशीन खींच रहा है, और भी बहुत सारे काम करवाते हैं, किसी में भी दबता नहीं, अच्छा चलता है ना, आगे से उठता है। जो वो रेड कलर का ट्रैक्टर था वो तो इस मशीन में भी आगे से उठ जाता है, किसी की क्रॉप की कोई ट्रैली हुई उसमें जो उसमें लगाई उसमें आगे से उठ जाता है। चलो इसे तो हमें ड्राइविंग मोड पर लगवा दिया। बाकी ये कार परचेज करी थी यार, ये बहुत ज़बरदस्त कार है, ट्रैक्टर से भी ज़्यादा जाना है इसमें, और कुछ भी इसके पीछे हिच भी लगवाई हुई है, कुछ भी लगवा लो इसके पीछे स्पीड भी 110-120 ऐसे चली जाती है इसकी, बहुत ही ज़बरदस्त। चलो इसकी स्पीड चेक करते हैं एक बार, बाकी इसे बंद कर देते हैं। चलो इसका यूज़ नहीं पता यार मुझे अभी तक, इसका यूज़ क्या है, अभी गेम डाउनलोड किया ना, आराम आराम से पता चलेगा। चलो बाकी बहुत अच्छी है यार, जंप वीडियो अच्छी करती है। चलो देखते हैं सूरज की तरफ चलते हैं, इस साइड चलते हैं, देखते हैं कि कैसा है मौसम, मौसम तो एकदम साफ और होने वाला है, बस अभी कुछ मिनट का वेट करना पड़ेगा, एक मोबाइल सारे हट जाए। चलो 63, ये एक्सीडेंट बहुत गंदे होते हैं यार, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड देखती है, एकदम जाती है, और कटिंग भी इतनी कुछ ज़बरदस्त है नहीं इसकी, जिस हिसाब से इसकी स्पीड है, पीक फार्म पे आ चुके हैं। चलो चलते हैं यहाँ, तो मौसम साफ हो रहा है पूरा, इसमें तो नहीं शायद बैठा जाता होगा, ट्राई करके देखते हैं, नहीं और इसमें नहीं बैठ, ये नहीं हो सकती, इसमें नहीं चलाया जा सकता। तब तक के लिए चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पे नहीं था तो सब्सक्राइब कर देना। ओके।